आज की जो वीडियो आइडिया वो लिया गया जी जैनुल आबदीन मोस्ट फेमस यूट्यूबर से, वो आपको पता ही होगा, इसीलिए मैंने उनका थंबनेल के ऊपर तस्वीर लगाई है। तो जी बात जो है ये है कि कोई भी चीज़ जो है करने में टाइम लगता है। अगर आपने यूट्यूबर बनना है, कोई और भी कामयाब शख्स बनना है दुनिया में, तो टाइम लगता है। अच्छा जी, वीडियो का टॉपिक जो है ये है हाउ टू बिकम अ व्लॉगर। ठीक है, व्लॉगर बनना कोई इतना ईजी नहीं है, इसके लिए तकरीबन दो नहीं 3 4 5 साल तक अरसा लग सकता है। किसी भी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, इसलिए बोला है पहले। तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी जो है ना, इज़ द की टू सक्सेस। सिर्फ कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखनी है, हफ्ते में 3 नहीं तो 2 रेगुलर हफ्ते में ना 2 3 ब्लॉग जो है ज़रूर अपलोड करने होते हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, अगर ब्लॉगर बनना है ज़रूरी नहीं, ब्लॉगर वैसे मैं ब्लॉगर हूँ, तो इंशाल्लाह हम भी कभी बनेंगे। तो मैं कंसिस्टेंसी इसीलिए बरकरार रख लूँ, डेली ब्लॉगिंग है मेरी। 163 सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 111 12 वीडियोज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, अभी मेरे 3 माह हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, आहिस्ता आहिस्ता और करेगा। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं बन सकता, तो इसलिए आपने कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखनी है। मैं तो करता हूँ जी डेली व्लॉगिंग, लेकिन आप चाहें डेली व्लॉगिंग जो है थोड़ी मुश्किल है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि काफ़ी मसला पड़ता है, अगर जब लाइट वगैरह ना हो तो सही, टेंशन वगैरह रहती है। तो मेरी माने, अगर आपको खाने पीने का शौक है, मुख्तलिफ जगह विजिट करते रहते हैं, तो जाएँ कोई जिस भी जगह के आप, मैं तो रावलपिंडी का हूँ, इधर स्ट्रीट फूड है, जैसे हर जगह की अलग अलग स्ट्रीट फूड है, कराची में, सियालकोट, हर जगह, लाहौर में भी काफ़ी फेमस जो है। पहले देखे ना, अगर आपने फूड व्लॉगिंग करनी है तो बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर हैं उनके देखें, वो कौन सी जगह पे घूम रहे हैं, कैसी कैसी जगह हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उधर का देखें कि किस हिसाब से स्ट्रीट फूड, कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं उधर के नहीं। बाकी मोस्ट जो प्लेसेस हैं मुख्तलिफ, अगर आपने ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है तो वो दिखाएं। इंशाल्लाह आप भी एक दिन बन जाएंगे, और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग व्लॉगर बने। तो व्लॉग का जो टाइटल है वो ये है, हाउ टू व्लॉग विद योर फ़ोन। फ़ोन जो है व्लॉगिंग करने के लिए शुरू शुरू में ना ही किसी को कैमरे, कोई गैजेट्स, कोई ड्रोन, इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं ज़रूरत होती। और इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले सीखूंगा और फिर करूंगा, ना ही फिर आप सीख पाते हैं और ना ही फिर आप कभी बन सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है आहिस्ता 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 आहिस्ता। शुरू वाली मेरी वीडियो देखे ना, उसमें मोबाइल मेरा ऐसे ही लैंडस्केप में होता था, लेकिन फिर भी वो वीडियो की ना स्क्रीन जो छोटी आती थी, वो इसलिए कि तब मुझे एडिटिंग का भी नहीं था पता, कुछ भी नहीं। अभी भी हैर कोई नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत ही आती है, लेकिन एडिटिंग के लिए जो मैं ऐप्स वगैरह यूज़ करता हूँ वो हैं जी कैप कार्ड से वीडियो ज़बरदस्त तरीके से एडिट हो जाती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इधर से की कर कर के, तो अभी आगे जाके प्रीमियर प्रो हो गया, फिल्मोरा, ये बाद की चीज़ें हैं, ये अभी इनसे बहुत मुश्किल है। इनसे ना अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा वक्त के साथ साथ सीखता रहता है उनको भी। तो थंबनेल जो बनाना है कैनवा में है, कैनवा में, लेकिन आपको चाहिए होता है कि अगर वो वाटर मार्क आता है, अगर आपने कभी बनाया हो ना कैनवा पे, तो कैनवा लिखा आता है वो वाटर मार्क आ जाता है। वो वैसे स्क्रीन शॉट मोबाइल में बंदा ले ले वो तो, लेकिन कैनवा का जो वाटर मार्क है ना वो रहता है। तो उसमें जो पेड वाली होती है ना टैंपलेट्स, वो ना यूज़ करें, आम यूज़ करके। अगर वो भी करनी है ना, तो उनके ऊपर जो कोई लिखाई वगैरह लिखी हुई है उसको रिप्लेस करके कोई और चीज़ डाल दें, फिर भी वो वाटर मार्क जो है मिट जाता है। तो मैं तो करता हूँ जी पिक्सआर्ट से एडिटिंग, थंबनेल जो है, थंबनेल भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा ना तो व्यूज ज़्यादा आएंगे। मैं कभी कभी मेरे से भी ना सही थंबनेल नहीं बन पाता, तो बस आपने कंसिस्टेंट रहना है। तकरीबन हफ्ते में दो तीन व्लॉग जो ज़रूर अपलोड करने हैं, व्लॉग की बात नहीं कर रहा, वीडियो। ठीक है, वैसे मैं व्लॉगर हूँ तो इसलिए मैं व्लॉग कह रहा हूँ बार बार। तो वीडियो जो है 2 3 हफ्ते में ज़रूर अपलोड करनी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, कभी आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि वाकई। बस आपने स्टार्ट करें, देखें जी कतरे कतरे से
आपने सब ने सुना होगा कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो भी दरिया बनेगा इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आहिस्ता, कभी ना कभी अल्लाह देखें किसी की मेहनत को रायगा नहीं ना जाने देता। तो इंशाल्लाह अभी मैंने वैसे स्टार्ट ही किया, मुझे भी कुछ इतना बड़ा कोई पता नहीं है कोई चीज़, मैं तो अभी नील सा ही हूँ, छोटा सा है अभी, मैंने भी कतरा ही हूँ, इंशाल्लाह कभी दरिया बनेंगे हम भी। तो वैसे मैंने कहा कि आपको भी बता दें कोई मेरी मोटिवेट, मेरे से मोटिवेट हो के तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर ले तो उसकी लाइफ बन जाए। देखें जी, हम देखते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टक्की भाई, RHS, माज सफदर, इनको बहुत टाइम हुआ हुआ है, आपने कभी देखा नहीं होगा इनके वो पैरट्स रखे हुए बोल रहे हैं सॉरी, आपने वो देखा कभी उनके चैनल को देखें, उनके अबाउट में जाके चेक करें, उन्होंने ज्वाइन कब किया था, ज्वाइन उन्होंने तकरीबन किसी ने 2019 में किया था, अभी 2023 चल रहा, कोई 2016 में लगे हुए, मिस्टर बीस्ट जो वर्ल्ड, पता नहीं वर्ल्ड का तो नहीं कहता लेकिन है बहुत बड़ा यूट्यूबर, आप सब लोग जानते होंगे, उसने ज्वाइन किया था 2012 में, 11 साल हुए हैं अभी उसको, इसलिए वो पता नहीं कितने कितने 100 मिलियन व्यूज़ कमा रहा है। तो भी अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ के आते हैं, बस मैं यही कहूँगा कॉन्सिस्टेंट रहना, कॉन्सिस्टेंट इज़ द की टू सक्सेस। तो अभी मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। तो खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।